पढ़ना है। आ जाएगा, बैठो इस बेंच पे, आ जाए इधर जल्दी। जी रेडमी 1 2 3 4 5 यही बुक है, बैठो आराम से। तो देखिए यहाँ पे हमें असल सूरत में कुछ यानी हरूफ तहजी सीधे दिखा के है। आयशा स्टॉप राइटिंग, आयशा स्टॉप राइटिंग। हमें यहाँ पे असल सूरत में दिखा के है बे पे ते टे और से। अब इनकी छोटी सूरत है यानी जब हम बे को आधा लिखेंगे इतना लिखना है देखिए, या पे को आधा लिखेंगे इतना काटना है, जो इसका एंड का हिस्सा है वो काटना है, इसकी जो पे की दुम है वो काटनी है, तो इसकी मुख्तसर सूरत होगी। तो फिलहाल हमें बस ये लिखना है, इंशाल्लाह ये आपको इससे आगे जब हम जाएंगे तो हमें ये पढ़ने भी है। तो यहाँ पे आपको सीधे ट्रेस कर रहे हैं, देखिए कैसे, पहले एक स्टैंडिंग लाइन जैसी। पेंसिल दूसरा चाहिए मुझे, इसके टिप की टूटी हुई है, ये लो। दुआ का पेंसिल दो मुझे। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, एक कर्व जैसा है या स्टैंडिंग लाइन आप बना सकते हैं, बन गया बे। मैं आपको दिखाऊंगी, जरूरी नहीं है बिल्कुल आप ऐसे लिखेंगे, देखिए छोटा सा वन जैसा लिखेंगे हम, फिर ऐसे नीचे स्लीपिंग लाइन और नीचे एक डॉट, बन गया छोटा बे। ऐसे पे यहाँ पे पे के तीन नुक्ते हैं वो हमने बनाए हैं। पे लिखने के लिए भी मैं एक खड़ी लकीर डालूंगी, पहले छोटी सी, फिर नीचे ऐसे स्लीपिंग लाइन लेटी लकीर, फिर नीचे तीन नुक्ते, हो गया पे। इसके बाद ते हम ट्रेस पे पहले ऐसे लिखेंगे, ते बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, देखो यहां से पहले हम एक छोटा सा वन बनाएंगे मिडिल लाइन में, ऊपर दो डॉट्स, फिर स्लीपिंग लाइन ऐसे, फिर देखिए छोटा अलिफ और ऐसे स्लीपिंग लाइन, और अब टॉय बनाना है, तो टॉय मैंने आपको कल भी दिखाया, पहले वन फिर ऐसे एक कर्व, देखिए। इसके बाद हमें से है, से को ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, तो पहले मिड लाइन में एक छोटा सा वन, ऊपर तीन नुक्ते और फिर स्लीपिंग लाइन, तो ये आप ऐसे लिखेंगे। इसके बाद है हमारा जीम, ये है हमारा जीम, तो जीम की जो आधी दुम जब काटेंगे वो हमें इतना लिखना है, देखिए कैसे, पहले ये ऐसे बनाते हैं हम जीम में भी, फिर लेटी लकीर, फिर थोड़ी टेढ़ी लकीर, देखिए कैसे, ऐसे फिर लेटी लकीर, फिर एक कर्व जैसा जीम। इसके बाद चीम आएगा, चीम की छोटी सूरत ऐसे, फिर लेटी लकीर, फिर कर्व, फिर तीन नुक्ते हैं, ऐसे नीचे भी देखिए, ऐसे लकीर, स्लॉटिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर एक कर्व, फिर तीन नुक्ते, देखिए एक स्लॉटिंग लाइन, टेढ़ी लकीर, स्लीपिंग लाइन, लेटी लकीर और एक कर्व, फिर खाई भी बिल्कुल ऐसे आएगा, खाई को ऊपर एक नुक्ता है, स्लॉटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक कर्व, यहाँ पे एक डॉट आएगा। फिर एन बनाने के लिए हम ऊपर वाला एन का जो ये है छोटी सूरत जो है वो हम नीचे वाला साइड जो है वो सारा काटेंगे, तो सिर्फ हमें इतना लिखना है, देखिए कैसे, एक कर्व और फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, शाबाश, आप ये जल्दी से अच्छे से लिखेंगे, मैं वेट कर रही हूं। आप किस पे लिखोगी ये?
एहसान अली बच्चे अपना काम लिखिए, किसी भी हेल्प के बगैर आप अपना काम खुद लिखेंगे। रेडमी 1235 पे जो भी बच्चा है प्लीज, जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, स्वेटर पहनी है, वो अपना काम खुद लिखेंगे। आप बच्चों को डॉट्स अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए, लेकिन लिखेंगे वो खुद। वेरी गुड आयशा, वेरी गुड, आप खुद ट्राई कर रहे हो। वेरी गुड मोहम्मद जाने आलम खान, शाबाश। रेडमी 1235 का काम कौन लिख रहा है, प्लीज बच्चे को पेंसिल दीजिए। एहसान अली अपना काम खुद लिखिए। सुमेरा, शाबाश सुमेरा, अपना काम आप खुद लिखेंगी आप। वेरी गुड दिया जहरा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस मरियम उमैया, शाबाश, वेरी गुड। आयशा मुख्तार, बच्चे वेरी गुड, खुद से अच्छे से लिखिए काम, शाबाश। सुमेरा ने काम लिखा है, वेरी गुड सुमेरा। सुमेरा आप एक काम करोगे, आप रफ कॉपी पे फिर इसकी प्रैक्टिस भी किया करोगे साथ साथ में, ताकि आपको इससे अच्छे से आए लिखना। आयशा, जो जो बच्चा काम लिखेगा, he or she will raise their hand. सफूरा, कल से बुक साथ लाना, ठीक है? ये कल भी ये वाली किताब है, शरीफ है। दिया अनम्यूट योर माइक, दिया जहरा। यस मैम। जरा बच्चा मुझे दिखाइए आपने काम फिनिश किया। वेरी गुड, चलो मैं दिया को स्टार्स देती हूँ, बड़े बड़े स्टार्स दूंगी इसको। वन टू एंड थ्री, थ्री बिग स्टार्स, वेरी गुड दिया। मरियम उमैया अनम्यूट योर माइक। मरियम, मैम बच्चे आपने काम लिखा? यस मैम। वेरी गुड मरियम उमैया, वेरी गुड, गुड गर्ल, वेरी गुड। आपको स्टार दूंगी, रुकिए बच्चे। मरियम आपको कौन से कलर के स्टार चाहिए, रेड ब्लू या ब्लैक? ब्लैक। ओके, वन टू एंड थ्री, थ्री बिग स्टार्स, वेरी गुड, वेरी गुड मरियम। आयशा, आयशा अनम्यूट योर माइक। आयशा मुख्तार, यस मैम, यस मैम। आयशा आपने काम फिनिश किया? यस मैम। वेरी गुड, गुड गर्ल, आपके लिए भी मैं क्लैप्स करूं। थैंक यू मैम। आयशा स्टार चाहिए या नहीं? यस मैम। कौन से कलर के? रेड कलर के। ओके बच्चे,
One, two, and three. Good girl. Very good. Welcome, bacha. Aisha, roll number 17. Are you done? Mohammad Jane Alam Khan. Jane Alam Khan, unmute your mic. Mohammad Jane Alam Khan, unmute your mic. Yes, ma'am. Very good. Good boy. Aapne bhi kaam likha. Very good. Good boy. आपको कौन से कलर के स्टार्स चाहिए? कौन से कलर के स्टार्स चाहिए? ग्रीन. ग्रीन. ओके, ग्रीन. वन, टू, थ्री. वेरी गुड. गुड बॉय. वेलकम. आयशा फास्टर, जिन बच्चों ने उर्दू खुशखत किया वो अभी इंग्लिश कर्सिव बुक निकालेंगे. और पहले आप मुझे कंफर्म कीजिए कि आप सबके पास इंग्लिश कर्सिव बुक है या नहीं. सुमैरा, 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 अनम्यूट योर माइक. अभी का नेट है ना, नेट इशू. मुझे पिछले साल होते थे 33. सुमैरा, काम लिखा, जरा मुझे काम दिखाओ. वेरी गुड सुमैरा, जितना नजर आ रहा है उतना मुझे लग रहा है ठीक लिखा है. बाकी आप मुझे फिर सेंड करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे. वेरी गुड. मैं आपको फिर भी एक स्टार दूंगी क्योंकि आपने काम लिखा है, लेकिन यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है. एक बड़ा स्टार, एक बड़ा स्टार मैंने आपको दिया. वेरी गुड. गुड गर्ल. वेरी गुड. Redmi 1235, unmute your mic. आप मुझे प्लीज रिटन फॉर्म में अपना नाम सेंड कीजिए चैट में. Redmi 1235, आप मुझे अपना नाम रिटन फॉर्म में सेंड कीजिए, या तो अभी आप बोलिए. बच्चा आपका नाम क्या है? मोमिन अली. मोमिन अली, ओके, वेरी गुड. कल से आप अपने नाम से एंटर करोगे, ठीक है. Redmi 1235 नहीं होना चाहिए, मोमिन अली होना चाहिए. ओके मैम, मैंने लिखा था. वेरी गुड. आयशा, आपका काम भी मैंने चेक किया. मोमिन और आयशा को मैं एक साथ 6 स्टार्स दूंगी. 1, 2, and 3, 4, 5, and 6. 3 stars for Aisha and 3 for Moomin. Very good. Very good. Aisha and Moomin, apni books band kar sakte hain. Mohammad Jane Alam Khan, aap bhi. Mariam, very good. Yehi book nikalni hai. Ehsan Ali, bachche, aap bhi book band kijiye. Main aapko abhi stars dungi. Ehsan, very good. Kaun si book nikalni hai? आप सब निकालेंगे इंग्लिश कर्सिव बुक. 3 स्टार्स फॉर एहसान. चलिए बच्चे, आप सब इंग्लिश कर्सिव निकालेंगे. आप अभी फिलहाल हमें कैपिटल वाला साइड लिखना है. ये मैंने आपको बोर्ड पे भी सिखाया था हमें कैपिटल ए कैसे लिखना है. मैं आप फिर से दिखाऊंगी.
तो ये हमारा कैपिटल ए है, ये हमारा स्मॉल ए है। फिलहाल हमें कैपिटल ए लिखना है, तो पहले हम देखेंगे ए से कौन सा वर्ड आता है। ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी सेब। ए फॉर एप्पल, एप्पल, एप्पल। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। शाबाश। और ए से आता है एरोप्लेन भी, या ए से आती है एंड। तो अब हम देखेंगे कैपिटल ए हमें कैसे लिखना है। तो कैपिटल ए लिखने के लिए मैंने आपको परसों भी बोला, फोर लाइंस है हमारे पास। तो क्या करेंगे, जो ये तीसरी लाइन है मिडिल बॉटम वाली लाइन है, यहां से मैं ऊपर की ओर एक स्लांट लाइन बना रही हूं। देखिए टेढ़ी लकीर ऐसे बनाई। तो दूसरा आप क्या करेंगे, जहां पे हम टॉप पे रुके वहां से और एक स्लांटिंग लाइन बनाएंगे नीचे की ओर। कोई बात नहीं आयशा, फिलहाल आप आज देखो आप ये रफ कॉपी पे करोगे प्रैक्टिस। बुक सेलर के पास ये वाली बुक आ गई होगी। तो पहले हमने एक स्लांटिंग लाइन डाली ऐसे नीचे से ऊपर की ओर टॉप तक। अब हम टॉप से क्या करेंगे, दूसरी लाइन लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम मिडिल में एक लाइन बनाएंगे ऐसे, स्लीपिंग लाइन जो इनको ज्वाइन करेगी। देखिए हमने यहां से एक स्लांट लाइन बनाई ऊपर की ओर, फिर टॉप से और एक लाइन नीचे की ओर, और अब मिडिल में हम एक स्लीपिंग लाइन से इनको ज्वाइन करेंगे। दिस इज ए। फिर से मैं दिखाऊंगी ऐसे एक लाइन स्लांटिंग लाइन, फिर नीचे की ओर और एक, फिर बीच में एक स्लीपिंग लाइन जो इनको जोड़ेगी। ऐसे ऐसे और बीच में एक मिड लाइन ए। अब मैं नीचे दिखाती हूँ यहाँ पे, यहां से मैं एक स्टार्ट करूंगी एक स्लांट लाइन बनाना जो टॉप को छू जाएगी। छू गई टॉप को, टॉप ये वाला है जो पिंक कलर का है। अब मैं टॉप से और एक स्लांट लाइन बनाऊंगी बॉटम तक, बस। अब इनको ज्वाइन करना है तो यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन बनेगी जो इनको ज्वाइन करेगी। देखिए फिर से एक स्लांटिंग लाइन टॉप तक, टॉप से और एक स्लांटिंग लाइन बॉटम तक, फिर बीच में ज्वाइन करेगी स्लीपिंग लाइन। तो शाबाश, आप ये पेज इधर का कंप्लीट कीजिए। जो बच्चा कंप्लीट करेगा वो अपना हैंड फिर रेज करेंगे। आयशा फिलहाल रफ कॉपी पे एक काम लिखिए, ये वाला पेज, जब तक आप बुक आप एक काम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नीचे से बनाया तो आप ऊपर से भी बना सकते हैं। टॉप से पहले नीचे की ओर एक स्लांटिंग लाइन, फिर दूसरी ऐसे, फिर ऐसे। ए ये वाला भी सही है, ये वाला भी, लेकिन आपकी बुक पे ऐसे दिखा के है। आप पहले टॉप से बनाएंगे एक, फिर दूसरी ऐसे, फिर बीच में एक स्लीपिंग लाइन से जोड़ेंगे। देखिए टॉप से एक स्लांटिंग लाइन, फिर दूसरी स्लांटिंग लाइन, और फिर बीच में आप ऐसे ज्वाइन करोगे। इट्स योर चॉइस कि आप नीचे से ऊपर जाओगे या ऊपर से नीचे, लेकिन आपकी बुक पे ऊपर से नीचे है।
रेड लाइन खोलन मैडम ऐसे एक टॉप से नीचे, फिर टॉप से और एक लाइन नीचे की ओर, फिर ऐसे। मैं फिर से दिखाती हूँ, टॉप से ऐसे, फिर दूसरी लाइन, फिर बीच में स्लीपिंग लाइन मिलाने के लिए। जल्दी जल्दी लिखिए आप। शबो शबो तुम थोड़ा बोल बोल थोड़ा कहेंगे ना बोलने शबो शबो थोड़ा बोल बोल आ शबो वेरी गुड मैम दी ने भी इससे टॉर्च A for apple. A for apple before watch. Okay. Lesson about. Smera काम लिखी अच्छे से. एहसान दिया शबाश. मोहम्मद जाने आलम खान शबाश. मुमिन अली very good. मरियम very good. Smera unmute your mic. कॉपी निकालो और उसी पे लिखो जो आपकी रफ कॉपी होगी ना उसी पे ये लिखो ठीक है आयशा अनम्यूट योर माइक आयशा यस मैम लिखो यस मैम अब बुक सेलर के पास जान पास बुक्स आई है ठीक है मैम यस मैम वेट अ सेकंड मुझे तो नहीं आपकी कॉपी नजर आ रही है जरा आप आयशा जो ए है ना यहाँ पे जो हम कर्सिव में सीख रहे हैं जो उसकी स्लीपिंग लाइन है ना वो थोड़ी सी नीचे है वो ऑन द लाइन नहीं है लाइन से थोड़ा नीचे है ठीक है ओके मैम बोलो ओके मैम यू आर अ गुड गर्ल आप अच्छी बेटी हो ना है ना यस मैम मैं ठीक करूंगी मैम मैम मैं ठीक करूंगी ओके आयशा नहीं मैम दिया जरा ने लिखा वेरी गुड दिया दिया जरा मुझे दिखाओ दिया अपने हाथ में रखो ये ठीक है मैं आप सबकी माइक्स खोल देती हूँ जिस जिस बच्चे ने काम लिखा वो अपना हैंड रेज करेंगे और साथ साथ में मुझे बोलेंगे भी मैम दिया जरा दिखा रही है वेरी गुड दिया वेरी गुड वेल ट्राइड बीच बीच में ठीक करना ठीक है ओके मैम
आईशनन मैम आईशनन ने पसंद की लिखा वेट कीजिए मकर बच्चे अभी यहाँ पे आप सुनाए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा आप एक काम कीजिए आप सब ये काम कंप्लीट कीजिए और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे मैं आपको वहां पे चेक करूंगी और वहीं पे बोलूंगी किस बच्चे का गलत होगा किस बच्चे का सही है।